वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीएफ विद राजेश सर। स्टूडेंट्स, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस कर रहे थे और डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज पे ये आपका लास्ट वीडियो है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज रिलेटेड क्वेश्चन खत्म हो गए बच्चों, लेकिन जितने पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते थे मैंने बताने की कोशिश की है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर मुझे लगा कि पाँच छः क्वेश्चन और कराने हैं अलग अलग टाइप के, जैसे कि सॉल्विंग इक्वेशन वाला कराना है, तो मैं रो एलिमेंट्री ऑपरेशन इसके बाद बताऊंगा, जो मैट्रिक्स में छूट गया था। डिटरमिनेंट तो कंप्लीट है, लेकिन जो रो एलिमेंट्री ऑपरेशन आपका मैट्रिक्स में छूट गया था वो कराने के बाद फिर मैं 5-6 लेक्चर और लूंगा किस पे, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट पे, और कुछ उसमें और तरह के सवाल सीखेंगे, ठीक है। तो अभी परेशान मत होइएगा, डिटरमिनेंट का कॉन्सेप्ट वाइज खत्म हो गया। अब बच्चों आपको पता ही है कि क्वेश्चन का तो एंड होता नहीं है, ठीक है। तो 6-7 क्वेश्चन मैंने इस पे कराया है और मुझे लग रहा है कि अभी और कराने की जरूरत होगी, तो मैं क्वेश्चन कराऊंगा। लेकिन पहले आपका जो रो एलिमेंट्री वाला ऑपरेशन रह गया है इनवर्स निकालने का मैट्रिक्स का, वो पहले करा देंगे, क्योंकि वो 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। एक लेक्चर में 2x2 का करा देंगे और एक लेक्चर में 3x3 का। तो वो जब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद में फिर से प्रॉपर्टीज और डिटर्मिनेंट को लेकर फिर से आपके सामने आऊंगा नए क्वेश्चन के साथ। तो परेशान नहीं होना है आपको, सारे यहाँ पे चीजें कराई जाएंगी, लेकिन अभी पहले वो वाली चीज भी करा दी जाए, ठीक है। तो जो बच्चे पहली बार नए इस वीडियो से जुड़े हैं चैनल पे, वो एक काम करें कि नीचे एनसीएफ विद राजेश सर लिखा होगा, आपको दिख रहा होगा, तो आपको क्या करना है उस चैनल पे क्लिक करके, वहां पे क्लिक करके चैनल पे चले जाइए, और चैनल पे आपको प्लेलिस्ट पूरी डिटरमिनेंट की पड़ी हुई है, साथ ही साथ और चैप्टर की भी प्लेलिस्ट वहां पे बनी हुई है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि उन सारे प्लेलिस्ट को देखिए, क्योंकि उसमें पूरे सीबीएसई के अकॉर्डिंग जो भी आपके सिलेबस में मेंशन है सारी चीजें कंप्लीट तरीके से कराई गई है। कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको हर चैप्टर में मैक्सिमम क्वेश्चन कराने की यहाँ पे कोशिश की गई है और उनका हर टाइप कवर किया गया है। दूसरी चीज, अगर आपको अच्छी लगती है तो आप क्या करें कि दोस्तों को भी अपने फ्रेंड सर्कल में उसको रिकमेंड करें कि ये देखो फ्रेंड्स, ये चैनल काफी अच्छा है, इस पर चीजें अच्छी तरीके से समझाई गई है। और आखिरी बात जो बच्चों आपके लिए है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको काम ये करना है कि पहले पेन और पेपर के साथ बैठना है, ठीक है। पेन और पेपर के साथ जहाँ जैसे जैसे चीजें कराई जाएंगी वैसे वैसे चीजें आपको करनी है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और लगाते हैं ये सवाल। तो सवाल क्या कह रहा है बच्चों कि 1x2 1 x x 1 = 1 − x³ 2, ठीक है। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा ट्रिकी है, ट्रिकी इन द सेंस ये है क्योंकि यहाँ पे जो प्रूफ करने वाला दिया है ऑप्शन, वो आप डायरेक्टली नहीं ला पाओगे, ठीक है, क्योंकि कहीं पे x क्यूब नहीं दिया है। पावर मैक्सिमम कितनी गई है, स्क्वायर तक ही गई है, लेकिन प्रूफ आपको कितना दे दिया है, क्यूब तक का दे दिया है। तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया क्योंकि इसमें प्रूफ थोड़ा सा ट्रिकी है, तो प्रूफ को पहले हम थोड़ा सा और अच्छे से मॉडिफाई करते हैं। तो अगर बच्चों हम इसमें 1 − x³ में a³ − b³ लगाएं तो हमारा काम बन सकता है। तो बच्चों हमको पता है कि a³ − b³ का फार्मूला क्या होता है, तो चलिए जल्दी से a³ − b³ का फार्मूला लिखिए, जल्दी से लिखिए स्टूडेंट। तो a³ − b³ का लिखेंगे तो फार्मूला होता है a − b, फिर क्या होता है a² + b² + ab होता है। अब यहाँ पे a क्या है, 1 है, b क्या है, x है। तो जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो ये 1 − x आएगा, फिर आएगा 1 + x + x²। अब इसका हमको क्या करना है, होल स्क्वायर। तो ये चीज बच्चों हमको दिख रही है कि ये चीज प्रूफ करने लायक है, यानी ये प्रूफ हो सकता है, ये नहीं हो पाता लेकिन ये चीज हो सकता है। और जब ये प्रूफ कर लेंगे तो यही चीज है लिखा हुआ, यानी कि अब हमको इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, हमको किसके ऊपर बच्चों ध्यान देना है, इसके ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। तो चलते हैं ये वाला प्रूफ करते हैं। तो ये देखने में आपको अब अच्छा लग रहा होगा कि नहीं सर, अब काफी अच्छे से चीजें क्लियर दिख रही है हमको कि हम जो दूसरा वाला क्वांटिटी है, जो दूसरा वाला एक्सप्रेशन है, उसको हम आराम से बना सकते हैं। दूसरा वाला एक्सप्रेशन क्या है बच्चों, 1 + x + x²। तो हमको दिख रहा है कि अगर हम 1 और इसमें x और इसमें x² ऐड कर दें तो हमारा पहला दूसरा जो है एक्सप्रेशन आ जाएगा। क्लियर हो रहा है बच्चों, सबको दिखाई दे रहा है। तो हम कर क्या रहे हैं कि c1 में c1 + c2 + c3 कर दे रहे हैं। अगर कोई बच्चा चाहे कि r1 में r1 + r2 + r3 कर दे, कोई हर्ज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम आंसर आएगा, परेशान नहीं होना। तो हम इसको करके लिखते हैं। तो बच्चों जब हम करेंगे तो क्या आएगा, 1 + x + x²। c1 में करना है, c2 और c3 को टच नहीं करना है। इसमें करेंगे तो ये 1 + x + x² 1
ये हो जाएगा, फिर इसको करेंगे 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे करने पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, तो उसको हमने ऐसे लिख दिया। यहाँ पे करने पे आएगा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, हमने ऐसे लिख दिया, ये हो गया एक्स स्क्वायर 1। क्लियर हो रहा है बच्चों को? मुझे समझ में आ बच्चों, आप लोग को मुझे उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। तो अगला स्टेप क्या करना है, C1 में से आपको पता है ये क्या काम में लेना है, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो काम में लेते हैं, तो 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, तो बताइए स्टूडेंट्स कितना आ गया, कितना आया बच्चों हमारे, 1 आया। यहाँ पे कितना आया, 1 आया। यहाँ पे कितना आया, 1 आया, ठीक। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे तो हमने कुछ किया ही नहीं है, तो ये हो गया 1, x हो गया, यहाँ पे हो गया x स्क्वायर 1। अब बच्चों हमको क्या करना है, मैक्सिमम 0 बनाना है। दो ही तो रूल है डिटरमिनेंट में, प्रॉपर्टीज में, कि पहले जो प्रूफ है उसको आप किसी तरीके से हैंडल करके बना के लाइए, फिर उसके बाद मैक्सिमम 0 बनाइए। तो 0 बनाना क्या कठिन है, यहाँ से एकदम नहीं कठिन है। तो आप क्या करोगे, वीडियो को पॉज करिए और चलिए 0 बनाना स्टार्ट करिए। तो हम 0 बनाते हैं ऐसे, R1 में R1 माइनस R2 कर देते हैं, ठीक है। तो कर लिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 1, यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x। इसको हमको नहीं छूना है तो हमने वैसे ही रख लिया, इसको भी नहीं छूना है वैसे ही रख लिया, ठीक है। इसीलिए बच्चों मैं कहता हूँ कि आप पेन पेपर लेके बैठिए, क्योंकि अभी मैं रब कर दे रहा हूँ। तो अगर आप पेन और पेपर लेके नहीं बैठोगे तो प्रीवियस स्टेप तो आपको पता ही नहीं रहेगा, तो उसका अगला स्टेप आप कैसे लिखोगे, ठीक है। इसीलिए आपको कहा जाता है कि आप पेन और पेपर के साथ बैठे, ठीक है। तो चलिए, तो अब यहाँ से आप कुछ बाहर निकाल पा रहे हो बच्चों, यहाँ से अगर x कॉमन ले रहे तो कितना आ जाएगा, x माइनस 1, ठीक है ना, आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या आ जा रहा है, x अगर कॉमन ले रहे तो x माइनस 1, यानी आप देख पा रहे होंगे कि रो फर्स्ट में से x माइनस 1 ले सकते हैं, लेकिन हमको प्रूफ में क्या चाहिए, 1 माइनस x, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, हम 1 माइनस x ही बाहर लेते हैं। तो हमने क्या किया, R1 से 1 माइनस x बाहर ले लिया, ठीक है। तो लेके देखते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब हमने क्या ले लिया, 1 माइनस एक्स लिया, कहाँ से, R1 से। तो पहले R2 लिख देते हैं, क्योंकि उससे छेड़खानी तो हमने की नहीं है, वैसे ही लिख देते हैं। अब 0 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे 1 माइनस एक्स लोगे तो क्या बचेगा बच्चों, माइनस 1 इतना आ रहा होगा, देख लीजिए अगर नहीं आ रहा है, x माइनस 1 है, अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले दें तो यही बचेगा, यही हमने ले लिया, तो बचा कितना बच्चों, माइनस 1 बचा। क्लियर हो रहा है आपको, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, यहाँ भी क्या हो जाएगा, फिर यहाँ भी माइनस 1 x हो जाएगा, यहाँ माइनस x होगा, कैसे देख लीजिए, था आपका x माइनस 1, आपने माइनस कॉमन लिया तो क्या हो गया, x 1 माइनस x, तो बचेगा यही ना, माइनस x, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब क्या करते हैं, फिर 0 लाते हैं, तो इसको इससे माइनस कर देते हैं, यानी R2 में R2 माइनस R3 कर सकते हैं, ठीक है। चलिए करते हैं, तो ये बच्चों बस बन गया कितना आपका, 1 माइनस x क्यूब बना, यही तो था 1 माइनस x क्यूब बन गया, ठीक। और आपका बच क्या रहा है, 0 माइनस 1, पहले वाले को छूना नहीं है, तीसरे वाले को छूना नहीं है, तो वैसे ही लिख दीजिए, दूसरे वाले को छूना था, तो 1 माइनस 1 कितना होगा, 0, फिर क्या हो गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, x माइनस 1, ठीक है बच्चों, क्लियर हो रहा है सबको ना। तो अगर किसी भी बच्चे को अगर ये लग रहा है कि सर ज़्यादा तेजी से बता रहे हैं, तो YouTube में बच्चों आपको ये ऑप्शन है कि आप या तो स्पीड कम कर सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो कि वीडियो को पॉज करके पहले वो लाइन आप लिख लीजिए, फिर प्ले करिए, फिर पॉज करिए। तो ऐसे बच्चे कहेंगे कि ऐसे तो हमारा टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, तो बच्चों एक ही बार में लगेगा, और ये क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में, तो मान लो फिर कभी आ गया या कहीं और दे दिया गया, तो वहाँ तो कम से कम अच्छे से कर पाओगे, पता चले क्या टाइम बचाने के चक्कर में आपको क्वेश्चन दिया गया और आप क्वेश्चन कर ही ना पाओ, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इसको करते हैं, तो अब यहाँ पे देख पा रहे हैं 1 माइनस एक्स क्यूब, ठीक है, एक लाइन और लिख देते हैं तब ताकि आपको क्लियर और दिखाई दे कि क्या कॉमन आ सकता है। तो देखिए इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स लिख सकते हैं इसको, और यहाँ से फिर माइनस कॉमन ले लेते क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स आ जाएगा, और नीचे हमने छुआ नहीं है तो ये 1 हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया और 1 हो गया, ठीक। अब इससे हम 1 माइनस एक्स कॉमन ले लेते हैं, इसमें है 1 माइनस एक्स, R2 में है, तो R2 से हमने क्या ले लिया, 1 माइनस एक्स कॉमन ले लिया, तो चलिए बाहर लेते हैं, तो 1 माइनस एक्स क्यूब फिर कितना हो गया, 1 माइनस एक्स ये हो गया, तो बताइए कितना बचा, 0 माइनस 1 माइनस एक्स, फिर 0 1 प्लस एक्स, यहाँ पे कितना बचा, माइनस 1 1 एक्स स्क्वायर 1, ठीक है बच्चों। तो अब जो हमारी दूसरी रिक्वायरमेंट थी, दूसरी रिक्वायरमेंट क्या थी कि मैक्सिमम 0 बनना चाहिए, तो मैक्सिमम 0 क्या हो गया, बन गया। तो अब हम क्या करेंगे कि एक्सपेंशन कर देंगे जिसमें मैक्सिमम 0 होगा, किसमें मैक्सिमम 0 है बच्चों, आपका कॉलम 1 में है, तो क्या करेंगे आप, एक्सपेंशन अलोंग C1 करेंगे। देखिए बच्चों जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए
सब मैंने एक ही पैटर्न पे कराया है, ताकि हर क्वेश्चन में आप एक ही पैटर्न लगाएं। जो स्पेसिफिक क्वेश्चन होंगे उसमें तो स्पेसिफिक पैटर्न लगाना ही होगा, लेकिन मोर या लेस जो डिटरमिनेंट के क्वेश्चन होते हैं प्रॉपर्टी बेस्ड, वो एक दो ही कॉन्सेप्ट पे लगते हैं जो कि मैं करा रहा हूँ। तो ये हो गया 1 - x³ और बचा यहाँ पे 1 - x। ठीक, अब देखते हैं क्या बच रहा है। तो देखिए बच्चों, 0 0 लोगे तो खत्म, क्या आएगा 1 1 लेते हैं, तो जब हम 1 लोगे तो ये खत्म हो गया, और क्या खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, तो क्या आ रहा है बच्चों, -1 से -1 में करेंगे क्या आ जाएगा +1। फिर देखिए माइनस है, माइनस फिर क्या है, -x में इंटू करना है हमको 1 + x से। ठीक है ये बच्चों, देख लेते हैं 1 - x³, 1 - x, अब ये हो जाएगा 1 है तो वही चीज आएगी, ये माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, तो 1 + x, 1 + x यही है ना। अब इंटू कर लीजिए तो 1 - x³ दिख रहा होगा सभी बच्चों को कि आप लास्ट स्टेप में आंसर आपका क्या है आ गया। तो देखिए ये दोनों मिलकर फिर कितने हो जाएंगे 1 - x³। तो 1 - x का होल ये हो जाएगा 1 - x का ये, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर हो गया, और यही रिजल्ट लाना। तो देखा बच्चों कितनी आसानी से हमने ये क्वेश्चन प्रूफ कर लिया। तो इसमें बच्चों क्वेश्चन में एक ही ट्रिक थी कि यहाँ पे प्रूफ सीधे सीधे नहीं दिखा था, क्योंकि अगर हम सीधे सीधे जो प्रूफ दिया था अगर उसको लाते हैं तो फिर वो आ नहीं पाता, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री वहाँ पे कितनी थी 3। तो हमने क्या किया, थोड़ा सा अपना दिमाग यूज किया और ये वाला फार्मूला लगा दिया। तो जैसे ही ये वाला फार्मूला लगाया तो हमको पता चला कि अरे वाह, ये तो बहुत ही आसान है, अब तो ये आराम से बन जाएगा। फिर हमने प्रॉपर्टीज लगा दी। तो बच्चों ये प्रॉपर्टीज से रिलेटेड डिटर्मिनेंट का अभी के लिए लास्ट वीडियो है, मैं 4 से 5 क्वेश्चन और कराऊंगा, मतलब 4 से 5 वीडियो आपके पास और आएंगे। लेकिन वो कब आएंगे, जब मैट्रिसेस का मैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से इनवर्स जो बचा है उसको मैं कंप्लीट करा दूंगा तब। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के कुछ क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।